हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो अल्टीमेट हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जियो J1 भारत जो है J1 का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि जुलाई में लॉन्च हुआ है 2024 मॉडल। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। अमेजोन की पैकिंग आपके सामने पड़ी है, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया। मैंने सोचा आपके सामने ओपन करूँगा इसको, बिल्कुल सील बंद है। मुझे नहीं पता भी इसमें फ़ोन ही है या कुछ और है, क्योंकि अमेजोन में हम ट्रस्ट करते हैं, देखते हैं बाकी। तो इस वीडियो में इसका पूरा अनबॉक्सिंग करो, क्या क्या फीचर है। जैसे कि मैंने प्राइमा वीडियो का भी, जो पहले मैंने बनाया था फ़ोन, उसका भी मैंने बनाया था रिव्यू। बेकार फ़ोन था, उसका कीपैड वगैरह, उसका भी आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो इसका देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये लगभग 1800 का फ़ोन है, तो मैंने ऑनलाइन बाय किया, लोकल मार्केट से मिल नहीं रहा था। ये जुलाई को लॉन्च हुआ, तो चलिए इस अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहले हम इसकी सील ब्रेक करते हैं यहाँ से। ये हमने इसका अमेजोन का सील ब्रेक किया, इधर से भी खोल लेते हैं इसको। ये हमारा यहाँ फोन, देखिए ये रहा हमारा फोन। ये इसका बिल है, बिल आप चेक कर ले। बिल जो प्राइस है लगभग 1800 है, देखिए ये लिखा है यहाँ पे प्राइस, 1800 का प्राइस है यहाँ पे। और ये फ़ोन का मॉडल नंबर JioJ14Z। तो ये रहा फ़ोन, ये है फ़ोन। और फ्रंट साइड में देखने में कुछ ऐसा लुक इसका, और इसकी जो डिस्प्ले है काफ़ी लार्ज साइज है। डिस्प्ले की 2.8 आई थिंक 2.4 के करीब है। सामने जियो भारत J1 4G लिखा हो, साइड में देखिए यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी रिप्लेसमेंट लिखा हो, यहाँ पे विद लव फ्रॉम जियो। और बैक साइड में देखिए जियो भारत J1 4G, और यहाँ पे क्या क्या सर्विस में जैसे लिखा हुआ जियो सर्विस। पहले है इन्जॉय वीडियो विद जियो सिनेमा, फिर लिस्टनिंग अपना जियो सावन पे आप 8 करोड़ के करीब सॉन्ग सुन सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं जियो पे के साथ। इन्जॉय लाइव TV, इन्जॉय शो ऑन जियो TV, शेयर योर मेमोरी विद जियो फोटो चैट, जियो भारत फीचर एंड स्पेस, HD वॉइस कॉलिंग इसमें सपोर्ट करता है, और वायरलेस FM रेडियो है, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग है, और 23 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और इसमें 7.cm 20.8 इंच की VGA TFT स्क्रीन है, 25 mAh की बैटरी है, बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा होगा इसका, 0.3 MP का कैमरा है, लाउड स्पीकर है, पावर टॉर्च है, वाइब्रेशन सपोर्ट, कार रिकॉर्डिंग स्टॉप प्ले की ऑप्शन है इसमें, और ब्लूटूथ है। उसके बाद इसमें SD कार्ड अप टू 128 GB तक सपोर्ट करता है, और मैनी मोर ऑप्शन है। तो चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इस की बॉक्स की अनबॉक्स करते हैं जियो भारत J1 की। यहाँ से मैं इसको सील ब्रेक करता हूँ फ़ोन का, तो मैंने ये ब्रेक किया और देखते हैं हमें क्या लुक मिल रहा है फ़ोन का। फर्स्ट टाइम अभी जुलाई में ही लॉन्च हुआ है, जियो ने धीरे धीरे इसको लॉन्च कर दिया। तो अभी इसकी हम सील ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से तो वैसे ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए सील को यहाँ से इसको लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर इसको ऐसे ब्रेक करते हैं सील को। तो यहाँ पे हमने इसकी सील जो ब्रेक कर दिया है, तो अभी इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम देखते हैं फ़ोन कैसा देखने को मिल रहा है। बॉक्स निकाल दिया, ये है इसका फ़ोन, साइज़ बड़ा अच्छा है, और कीपैड जो पहले से मुझे बेहतर लग रहे हैं। बाकी हम यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। इसमें स्लो की प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंग होंग का इशू नहीं है। प्राइमा में हैंग का वह इशू था, अपडेट होने के बाद बहुत प्रॉब्लम कर रही। डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा लार्ज है इसकी, साइज़ काफ़ी बड़ा है डिस्प्ले का। और बैक साइड में जियो का लोगो है, कैमरा कुछ इस सर्कल में दिया हुआ है, और ऊपर की साइड टॉर्च है, और नीचे की साइड, तो नीचे की साइड इसमें एक माइक्रोफोन है, और इसमें एक 3.5 ऑडियो जैक है, और माइक्रो USB चार्जर इसके साथ है, इसकी पोर्ट भी यही है। और इसको बैक साइड से ओपन करते हैं इस कवर को। इसमें देखिए बैक साइड में कुछ आया, सीरियल नंबर दिया हुआ और मॉडल नंबर सबको लिखा, फोन J1 और उसके बाद ये नैनो सिम इसमें डले, एक मेमोरी कार्ड डलेगा जो कि 128 GB तक सपोर्ट करेगा। और बॉक्स में क्या मिलता है इसको साइड में करते हैं और देखते हैं बॉक्स में अभी और क्या क्या देखने को मिल रहा है। बॉक्स को हमने ओपन किया, ये सिलिका जेल है जो कि आपको पता हर एक चीज़ में मिलती है। इसका यूज़र मैनुअल गाइड है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ये चार्जर है, चार्जर जो देखिए माइक्रो USB है, और उसके बाद अपना इसका जो
ट्रैवल चार्जर है और जो पहला वाला चार्जर है सेम उसी का इसका वाटेज है। आउटपुट जो है इसकी 5000 mAh 5 वोल्ट है। और इसको बैटरी जो है देखते हैं, बैटरी भी हमें यहाँ पे है, बैटरी आ जा रही। बैटरी जो इसकी है 250 mAh की बैटरी है, पहले से काफ़ी बड़ी बैटरी है और बैटरी बैकअप भी हमें काफ़ी देखने को इस फ़ोन में मिलेगा। तो अभी इसको चलो लगाते हैं और इसको फर्स्ट बूट ऑन करते हैं। अभी मैंने इसको पहले एक सिम डाल लेते हैं, चलो बाद में डाल लेते हैं। अभी मैंने इसको सिम डाल के यहाँ पे नैनो इसको मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे लॉक लग गया ये। अभी इसको फर्स्ट बूट करते हैं, देखते हैं बैटरी इसमें है या नहीं। ये देखिए जियो भारत का लोगो आ चुका है और फ़ोन कुछ दिखने में ऐसा है। ये बूट प्रोसेसिंग इसका काफ़ी जल्दी हुआ पहले वाले से, काफ़ी जल्दी इसमें जो 23 लैंग्वेज सपोर्ट करता है और चलने में काफ़ी फास्ट है ये। अभी मैं इसको इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, पंजाबी भी है हिंदी भी है सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट पे क्लिक किया और पासकोड लगाना है तो इसको स्किप कर दें। आर यू वांट टू स्किप, वुड यू लाइक रिकमेंड कीप जियो भारत इन सेफ हैंड, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए कितना अच्छा डिस्प्ले लग रहा है इसका। अभी इसका सिम का जो टावर वगैरह आएगा और बाकी इसका फीचर चेक करते हैं हम कैसे हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। TFT डिस्प्ले है और इसकी प्रोसेसिंग मुझे बढ़िया लगी जियो प्राइमा से, क्योंकि वो काफ़ी स्लो चल रहा था, ये इसका ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। तो ये फ़ोन है कुछ ऐसा। तो अभी पे हम मेनू पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पहले कॉल लॉग दिया, उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट दिया, मैसेज है, उसका जियो सिनेमा है, जियो सावन है, जियो TV है, जियो पे है, सेटिंग टूल है और मल्टीमीडिया है, जियो चैट है और नोट्स, जियो फोटोज, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, सेटिंग है, उसके बाद अपना क्लॉक है और कैमरा है। कैमरा देखिए इसका 0.3 है। कैमरे की क्वालिटी देखते हैं कैसी है। कैमरे की क्वालिटी 0.3 में बेस्ट आ रही है क्वालिटी, ठीक है क्वालिटी इसकी कैमरे की भी। हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं तो इसकी कैमरे की जो मुझे क्वालिटी लगी ठीक लगी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं जो फ़ोटो आई थी हमारी फ़ोन जस्ट मोड, देखिए ये इसका जो हमने लिया है फ़ोटो ठीक आई है। उसके बाद हम इसका बाकी ओवरव्यू चला के देखेंगे कैसा चलता है कैसा नहीं, अभी इसमें कुछ है नहीं। और ये देखिए जियो टावर आ चुके हैं और जैसे कि मुझे प्राइमा में दिक्कत आ रही थी कि अपने आप इसके टावर ख़त्म होते थे, वो इसमें ऐसी कोई दिक्कत मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली। बाकी इसको यूज़ करूँगा 15-20 दिन बाद में इसका, आफ्टर द 20-30 डे बाद एक वीडियो और बनाऊँगा जिससे कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है कमी पेशी है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे कोई ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा। अगर आप फैमिली में देना चाहते हैं तो दे सकते हो, क्योंकि प्राइमा जो है 2500 का फ़ोन आ रहा है और जो 1800 का फ़ोन है और वर्थ है 1800 में। 2.8 की डिस्प्ले है और काफ़ी बढ़िया साइज है, डिस्प्ले कलर भी बहुत अच्छे हैं। ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं जैसे कि जो काफ़ी जल्दी लाइट वगैरह और ये इसको भी सेटअप कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद बाकी और जो सेटिंग है हम इसकी धीरे धीरे चेक करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पूरा प्रॉपर देखने को मिलेगा इसका सेटअप कैसा है कैसा नहीं। वाइब्रेशन वगैरह भी है सब कुछ इसमें अवेलेबल है। वाईफाई नहीं है इसमें जो है, वाईफाई जैसे कि जियो प्राइमा में आता है इसमें वाईफाई नहीं है। और वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं और इसमें ब्लूटूथ भी है। और देखिए कॉल रिकॉर्डिंग में, कॉल रिकॉर्डिंग भी है इसमें, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड देखिए ऑन कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और फ़ोन सेटिंग में जाके प्रोफाइल में जाते हैं, नॉर्मल में प्रोफाइल में भी आप इसका रिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, ट्यून वगैरह सेट कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ोन सेटिंग में जाकर और जो सेटिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अबाउट फोन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर वगैरह लिखा हो J1 और उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो अपडेट आएगा वो हम देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है, हार्डवेयर वर्जन, ICC ID वर्जन सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। कीपैड वगैरह जो है सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अभी एक बार हम इसका डेट एंड टाइम भी देखिए ऑटोमेटिक सभी इसने उठा लिया 2 अगस्त। और उसके बाद की फंक्शन में जाएंगे, स्पीड डायल भी है, स्पीड डायल 1 से लेके 9 तक ये स्पीड डायल सपोर्ट करता है, बाकी एक रिजर्व है। बाकी यहाँ पर टॉर्च लाइट चलती है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारी शायद टॉर्च जल जाएगी, देखिए टॉर्च जल गया। अभी इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉर्च बंद आ गई, यहाँ से वाइब्रेशन बटन क्लिक करेंगे वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी और इसको फिर से दबाएंगे तो वाइब्रेशन नॉर्मल मोड में आ जाएगा फ़ोन। देखिए अभी तीन बार दबाना पड़ेगा फिर नॉर्मल मोड में जी आ जाएगा। और इसके बाद बाकी जो है मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, जो भी होगा आपको इस फ़ोन के बारे में प्रॉपर देखने को मिलेगा। अभी कीपैड की बात करते हैं, कीपैड देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 मलाई की तरह चल रहा है कीपैड, मक्खन मलाई की तरह कीपैड। इसमें लाउड स्पीकर भी है, पीछे एक लाउड स्पीकर भी दिया हुआ है, और उसके बाद ये फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी लगी है मुझे। बाकी मैं यूज़ करता हूँ, आपको इसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो ये है हमारा फ़ोन बॉक्स के साथ, ये हमारे बॉक्स के साथ, ये हमारा देखिए जियो भारत J1। कैसा लगा लुक फ़ोन का कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।